चनारी प्रखंड अंतर्गत केनारकला पंचायत में यहाँ पैस चुनाव का तिथि घोषित कर दिया गया है और सभी नेताओं द्वारा अपने अपने क्षेत्र में पैस चुनाव को लेकर मतलब गहमागहमी चल रही है। आज इसी क्रम में हम लोग केनारकला पंचायत में उपस्थित हैं, यहाँ के किसानों द्वारा जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर इनको पुराने वाले जो पैक्स हैं उनके द्वारा किस तरह से मतलब विकास किया गया है और आने वाले चुनाव में किन्हें नेता के रूप में देखना चाहते हैं। सर एक चीज़ बताइए कि जो इस बार पैक्स का चुनाव का तिथि का घोषणा आपके पंचायत में आ गया, जो आपके पहले वाले क्षेत्र में इसमें पैक्स चुनाव रहे हैं उनके द्वारा कितना विकास किया गया है यहाँ पर? सर स्थिति ऐसा है कि चुनाव हुए हम लोग के यहाँ करीब करीब 2.5 साल जीत गया, 2.5 साल हो गया जी, 2.5 साल, और 2.5 साल ये लोग सिर्फ केस फौजदारी में ही बिता दिए। और समस्या ये है कि किसान जो है वो खाद के लिए विशेष करके अभी तो धान का फसल है और हमारे यहाँ के जो भी किसान है वो तरह तरह किए हुए खाद के लिए, कोई चेनारी भागता है, कोई आलमपुर भागता है, कोई सासाराम भागता है, खाद मिल नहीं रहा है, खाद की बहुत बड़ी समस्या हमारे यहाँ उत्पन्न हुई है। जैसे पहले वाले जो पैक्स थे कि आप लोग को खाद वगैरह के लिए सबके किसी तरह विकास के मुद्दे पैक्स के माध्यम से खाद हम लोगों को नहीं मिलता है, नहीं, उनके द्वारा आज तक कितना विकास किया गया यहाँ पे? उनके द्वारा देखिए आपके राशन के हक के लिए वो राशन बांटते हैं, वो राशन के विकास करते हैं, बाकी रह गया खाद और जो भी किसान का समस्या है, खास करके जो पैक्स है ये किसान के लिए बनाया गया है, तो किसान का जो समस्या है वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। तो हम लोग बहुत खुश हैं कि हमारे यहाँ फिर से चुनाव होगा, एक नए प्रत्याशी को हम लोग बनाएंगे जो भी अच्छा काम करेगा, जनता के दिमाग में जो भी दिखाई देगा कि ये अच्छे काम करेंगे, अच्छे ये हमारे पंचायत के भविष्य हो सकते हैं, उनके साथ हम लोग रहेंगे। अच्छा इस बार जैसे चुनाव आएगा और मतलब बहुत कैंडिडेट ऐसे हैं जो खड़े हो रहे हैं, आप लोग किस तरह का कैंडिडेट इस बार अपने पक्ष में चुनाव करना चाहते हैं? जिनका छवि स्वच्छ हो, जो किसान के लिए काम कर सकते हैं, पहले से भी काम कर रहे हैं, उस तरह के व्यक्ति को हम लोग चुनेंगे। क्या नाम है सर? मेरा नाम नंद किशोर तिवारी हुआ, हम ग्राम भक्सी के रहने वाले हैं। आइए कुछ और किसान हमारे साथ हैं जिनकी समस्या के लेकर हम बात करना चाहते हैं। सर क्या समस्या है आप लोग? समस्या ये सर, हम लोग को खाद का बड़ी किल्लत है। चुनाव पहले भी 5 साल हमारे पुराने पैक्स हुए थे, उनमें भी समस्या हुआ, हमको तो एक बार खादे नहीं मिला है, हम अपना बता रहे हैं, एक बार खाद नहीं मिल पाया, जिसके बाद जो 2.5 साल मैंने 3 साल का लमसम समय बीत चुका है, लेकिन ये लोग अपने ही में लड़े हुए हैं, हमारा सरकार नहीं बन रहा है, सरकार नहीं बन रहा है, तो ये लोग अपने लिए सोच रहे हैं, लेकिन बीच में हम लोग खाद के लिए लड़ रहे हैं। अब इनका कहिया सरकार बनेगा, कहिया हम लोग को खाद मिलेगा, तब तक 450 का यूरिया खरीदते हैं, 500 का यूरिया खरीदते हैं, कभी चेनारी जाते हैं, कभी बिलासपुर जाते हैं, कभी रायपुर चोर जाते हैं, कभी क्या कहला हम भगुआ भी जाकर खाद खरीद के लाए हैं, यही हम लोग का समस्या है। फिर में बीच में हम सुने कि नहीं चुनाव का डेट घोषित हो गया, जो हम लोग को अच्छा लगेगा उनको हम लोग खुद ही चुनेंगे। इस बार मतलब आप लोग कैसा प्रत्याशी चुनना चाहते हैं? प्रत्याशी जैसा हम लोग को समस्या का समाधान हो, हम लोग ये जानेंगे कि नहीं हमारी समस्या को सुन सकते हैं, हमारे साथ रह सकते हैं, हमें समस्या पर खाद मिल सकता है, हमें राशन मिल सकता है, हमारे मान लीजिए समस्या में हाजिर हो सकते हैं, आ सकते हैं, हम उनको खुद चुन लेंगे। अच्छा इस बार जो आपके पहले वाले पैक्स हैं क्या उनके द्वारा किसी तरह का कार्य नहीं किया गया आज तक? कार्य किया जाता तो सब चुनाव का होता, तो अगर मान लीजिए कार्य किया गया होता तो फिर 5 साल क्यों नहीं जीत गया, 5 साल सरकार क्यों नहीं बना, आखिर सरकार क्यों नहीं बना, कहीं तो कहीं कमी है, तभी तो आज तक उनकी सरकार नहीं बनी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है सुनील। हाँ हमारे किसान बात करना चाहता हूँ कि आखिर क्या उनके द्वारा क्या उनका यहाँ का समस्या है, क्या मतलब पैक्स चुनाव को लेकर जमीन हकीकत क्या इनका ओपिनियन कौन है? सर क्या नाम हो आपका? मेरा नाम सुदामा सिंह। सर आपके पंचायत में पैक्स चुनाव का तिथि का घोषणा हो गया है, सभी नेताओं अपने अपने मतलब कार्य लुभाने में जनता को लगे हुए हैं, क्या आपको अपने इस बार का पैक्स चुनाव में आप कैसा कैंडिडेट को देखना चाहते हैं? देखिए हम लोग पूरे किनारकला पंचायत की जनता बना हुआ है, जो भी कैंडिडेट है किसानों के लिए खाद का पूर्ण रूप से व्यवस्था करेगा, जो संकल्प करेगा उसी को तरफ मतदान जाएगा, यही विचार है, हर जनता का यही विचार है कि सबसे यहाँ जो है किनारकला पंचायत में खादे की बहुत बड़ा समस्या है। ऐसे तो अमीर लोग तो उन लोगों के पास पैसा है कहीं भी जाकर खरीद लेते हैं,
लेकिन गरीब के पास जो है बड़ी समस्या होती है। गरीब के पास खाद माने ब्लैक खरीदने पर उनके पास पैसे नहीं रहते, वो कहाँ से खरीदें, मर रहा है, चिल्ला रहा है खाद बिना। तो सबसे बड़ा हमारे यहाँ खादे की समस्या है, यही तो बात है। और जो पूछना है पूछिए। अच्छा, ये बीज वगैरह को लेकर क्या स्थिति है, मतलब आप लोग प्रखंड से मिल जाता है या वगैरह का मदद किया जाता है? नहीं, बीज तो खैर कभी कभी ब्लॉक से मिलता है, बीज कभी माने ब्लॉक से मिलता है, हमें दो राय नहीं है, ब्लॉक से मिलता है। सर ये बताइए कि जो पुराने पैक्स सदस्य हैं जी, उनके कार्य से आप कितना संतुष्ट हैं? हम लोग कार्य से संतुष्ट की बात देखिए, हम लोग जनता जो है कार्यक्रम की प्रक्रिया देखते हुए जैसा पंचायत के रूल लोग देखेंगे हम लोग उस तरह हम लोग ढलेंगे, है ना। लेकिन उम्मीद यही हम लोग रखते हैं कि जिसके अंगुली को चक्र सुदर्शन रहेगा शायद जनता उसी ओर झुका लेगी। चक्र सुदर्शन कृष्ण का रहता है, कृष्ण भगवान का, अब चक्र किसके अंगुली पर भगवान देते हैं वही हम लोग देखेंगे, उसके मुताबिक काम हम करेंगे। नहीं, जैसे इसके पूर्व भी यहाँ पे पैक्स अध्यक्ष के द्वारा रहे हैं, काम किया गया है, वो अपने स्तर से कितना आपके लिए हक के लिए लड़े, क्या मतलब आने वाले में उनकी स्थिति कैसे यहाँ? देखिए, आने वाले स्थिति में हम लोग नहीं बताएंगे, खुद कैंडिडेट ही बताएंगे कि हम जनता को क्या किया है क्या नहीं किया है। खुद कैंडिडेट ही इसका प्रक्रिया बताएंगे, हम जनता के बीच कितना खड़ा उतरे हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग हैं तो हम लोग ही बताएंगे जनता के बीच हम लोग का कैसा कैंडिडेट, कैसा व्यवहार है। तो वो लोग जो भी व्यक्ति हैं चाहे जो भी लड़ रहे हैं तो अपने अपने परिस्थिति के विषय में वही लोग भापेंगे, और जनता इसका रिजल्ट निकालेगी, जनता जो निकालेगी। हम लोग किसी का मैंने दुश्मन नहीं है, हम लोग सबका हित है, लेकिन मत करेंगे समझबूर को मतदान हम लोग करेंगे, इस बार मतदान समझबूर को करेंगे, हमें दो राय नहीं है। अब रहा बात कि हम लोग जनता का ही मांग है कि जाति या पाति कुछ नहीं चाहिए, हम लोग को योग्यता चाहिए, योग्यता के आधार पर ही मतदान हम लोग करेंगे। क्या नाम है? योग्यता और विकास साथ में विकास होना चाहिए। मेरा तो नाम सुदामा सिंह है, वो हम अपने पंचायत का पूर्व सरपंच भी हैं, किनारका पंचायत का पूर्व सरपंच है।